हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी फिशेस अब कितनी हैप्पी हैं, बहुत खुश हो रही हैं ये पानी में आके, और ये बहुत अच्छी भी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो समय हो रहा है वो शाम के 7:15 हो रहे हैं, और अभी थोड़ी देर में हम लोग मार्केट जाएंगे। तो आपको आज हम अपना लोकल मार्केट दिखाएंगे। तो ये देखिए, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं अपने गेट से, तो हमें यहाँ पे इस तरह से नारियल वाले भैया की जो शॉप है वो दिखाई देती है, और इनके पास बहुत सारे हमेशा भीड़ होती है, और नारियल भी बहुत सारे होते हैं, फ्रेश होते हैं सारे, और इनके बिक भी जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नारियल का जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है, चाहे आप कोई भी नारियल ले लीजिए। तो यहाँ पे दो तरह के नारियल मिलते हैं, एक तो पानी वाला मिलता है और एक मलाई वाला। तो पानी वाले में केवल पानी भरा होता है, और मलाई वाले में जब नारियल बनने लग जाता है, जमना शुरू हो जाता है, तो उसको मलाई वाला नारियल बोलते हैं। तो ये देखिए हस्बैंड जी पी रहे हैं, और अभी मेरा वाला नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पे भीड़ है, तो वो सबको वन बाय वन दे रहे हैं। और मैंने मलाई वाला फिलहाल नहीं लिया है, कभी नेक्स्ट टाइम अगर लूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से उसमें मलाई होता है। तो इसको कट करके, पीने के बाद इसको कट करके वो देते हैं, तो आप उनको खा सकते हो, और वो बहुत ही हेल्दी भी होता है, बहुत टेस्टी भी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपना नारियल जो है वो पीना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी यम्मी है। तो नारियल पानी पीने के बाद देखिए हम लोग मार्केट को चल दिए हैं, और ये ग्राउंड जो आपको साइड में मैंने दिखाया थोड़ा सा, वो फ्रेंड वही ग्राउंड है जिसमें मैंने दशहरा वीडियो डाली थी, दशहरा मेला का। तो इसी ग्राउंड में वो मेला लगा हुआ था, काफ़ी बड़े जगह पे है ये। और उसके बाद देखिए हम लोग अपने मार्केट की तरफ आ गए जिधर सब्जियां मिलती हैं। तो बहुत सारी सब्जी के ठेले और दुकानें होती हैं यहाँ पे, और देखिए सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगती है कि कोई भी सब्जी होती है या फ्रूट होता है, उसका रेट यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के लोग नहीं बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे टैग लगा देते हैं या फिर बोर्ड पे इस तरह से लिख के रखते हैं, और जिसको जो समझ में आता है, जहाँ पे सही लगता है वहाँ पे वो चला जाता है। ऐसे क्या एनर्जी लॉस नहीं होती है, और दूसरे वाले को भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार। तो ये देखिए फूल गोभी का रेट यहाँ पे 20 चल रहा है, और बहुत सारे अभी जो ठेले वाले भैया लोग हैं वो अभी नहीं लगाए हैं, पता नहीं, हो सकता है कभी छुट्टी उट्टी कर लेते हैं। और ये देखिए जो परमानेंट दुकानें हैं वो ये सब हैं, और इधर से ही हम लोग सब्जी उब्जी ले जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी इधर से मिलता है, बाकी इसके अपोजिट साइड भी दुकानें होती हैं तो उधर से भी ले जाते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा पूरा लोकल मार्केट है, और ये मंदिर पड़ता है रास्ते में, ये गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पे गणेश जी और कार्तिकेय जी का बहुत मंदिर पड़ता है, और काफ़ी मान्यता है यहाँ पे। और स्टेशनरी का हो चाहे कोई भी हो, छोटा मोटा सब कुछ लोकल मार्केट यहाँ पे है। बाकी इसके अलावा एक और जगह मैं दिखाती हूँ जो कि जेसी नगर पड़ता है, तो वहाँ की दुकानें जो हैं वो थोड़ी बड़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्केट है, तो जब कुछ अच्छा या फिर ज़्यादा लेना होता है तब उधर चले जाते हैं। उसके बाद देखिए अब हम लोग यहाँ पे आ गए, ये प्लास्टिक की शॉप है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं तुलसी का पॉट लेने आई थी, बट भैया के पास बहुत ही छोटा साइज था तो मैंने नहीं लिया, फिर नेक्स्ट टाइम कभी देखूँगी। तो अब देखिए उसके बाद हम लोग घर आ गए, थोड़ा बहुत सामान ले लिया है, उसको वीडियो में नहीं ले पाई हूँ मैं, और घर पे आके वही रेगुलर का जो काम होता है वही कर रही हूँ। तो सब्जी उब्जी तो मैं शाम का जो था वो बना उना कर गई थी, और अभी जो मैं कर रही हूँ ये बच्चों के सुबह की ब्रेकफास्ट के लिए, उनके लंच के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इनको अप्पे दूँ बना के टिफिन के लिए, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो सूजी को दही में डालकर उसको सोक करके रखना होता है, तो सुबह थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं इस तरह से इसको भिगा के अच्छे से घोल के ऐसे ही केवल दही के साथ फेट करके रख दूंगी, बाकी जो मटेरियल है वो सुबह में डालूंगी, जैसे प्याज सब्जी जो भी कुछ हमें डालना है वो मैं सुबह डालूंगी, बस इसको दही और पानी के साथ मिला के मैंने इसको ढक के रख दूंगी। तो फ्रेंड्स ये जो आज का व्लॉग है मेरा, ये बस यही तक के लिए था। तो फ्रेंड्स कल के व्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि अप्पे मैंने कैसे बनाया, और वो दिखने में कैसा लग रहा है, और खाने में कैसा लग रहा है उसके बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।